फेज के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं। अब ऑपोजिशन एक बड़ा आरोप हमेशा से कॉन्स्टेंटली लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी दो फेज के इलेक्शंस के बाद में बैकफुट पे आ गई है, इसीलिए ये पूरा इलेक्शन जो है वो मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर आकर रख दिया है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को ऑपोजिशन की तरफ से अगर नुकसान कहीं होगा तो वो महाराष्ट्र में होगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपोजिशन हमेशा इसी प्रकार की बातें कहते हैं। ये वही लोग हैं जो पिछले समय कहते थे जब चुनाव संपन्न हो रहा था कि बीजेपी के 180 सीटें आएगी, 190 सीटें आएगी, और चुनाव के बाद भी ये कहते थे कि अब तो बीजेपी की सरकार बनी नहीं सकती है। लोगों ने मोदी जी को 300 से ज़्यादा सीटें दे दी है, 13 सीटों का चुनाव हुआ है। सारे लोग ये कहते हैं कि 12 सीटें तो बीजेपी और अलायंस के आज ही चुनकर आई, और एक सीट पर थोड़ी कश्मकश है, लेकिन बीजेपी को एडवांटेज है। कई महाराष्ट्र के अंदर भी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, ग्रुप्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए धर्म के आधार पर। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि इस वक्त आपकी सरकार है, ये आप कैटेगोरिकली स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ऑर्डर देकर ये कहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, और उसके अधिकार संसद को भी नहीं है, तो वो तो अमेंड हो ही नहीं सकता है। दूसरा यह है कि मोदी जी ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मैं हूं और जब तक बीजेपी है, हम संविधान को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। और सबसे महत्व की बात यह है, 2014 में भी पूर्ण मेजॉरिटी है, 2019 में भी पूर्ण मेजॉरिटी है, तो अगर ऐसी कोई मंशा होती तो छेड़छाड़ तो हो ही जाती, लेकिन मोदी जी ने तो स्पष्ट किया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसीलिए एक चाय वाले का बेटा और चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस, जब ये उनके ध्यान में आया कि हम इनका मुकाबला इस प्रकार से नहीं कर सकते, व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस पीपल कन्फ्यूज देम, इस थियोरी पर कांग्रेस और उसके साथ वाले लोग चल रहे हैं। और जहाँ तक ये मुस्लिम रिजर्वेशन का सवाल है, तो इसमें भी संविधान की भूमिका बहुत स्पष्ट है। संविधान जब बन रहा था तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जिस समय ये सारी डिबेट्स हुई, उन डिबेट्स में बहुत स्पष्टता से सबने मिलकर ये रिजॉल्व किया कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और संविधान ने स्पष्ट रूप से ये प्रोवाइड किया कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। बावजूद इसके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को परास्त करने के लिए, उस संविधान के सूत्र को, उसके स्पिरिट को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ये प्रयास करती है। कई राज्यों में उन्होंने प्रयास किया, धर्म के आधार पर उन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, कभी भी वो टिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो हमेशा हारे। अब जाकर कर्नाटक मॉडल वो लाना चाहते और मुस्लिमों को ओबीसी घोषित करके ओबीसी के रिजर्वेशन में उनकी हिस्सेदारी देना चाहते, ओबीसी का रिजर्वेशन कम करना चाहते।